बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7। तो इस प्रॉब्लम में हमने करना है कि सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने फाइंड करना है फाइंड वी नॉट और आई नॉट। वी नॉट वोल्टेज है 8 ओम रजिस्टर के और आई नॉट करंट है जो कि 2 ओम रजिस्टर में से गुजर रहा है। तो इन दोनों चीजों का हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखें। इस सर्किट में हमने आई नॉट फाइंड करना है और वी नॉट फाइंड करना है। तो इसमें हम केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 2 नोड बन रहे हैं। 1 नोड को हम ग्राउंड कर देंगे और दूसरे नोड को हम कोई भी नाम दे देंगे वोल्टेज का, और उस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इस नोड को हम ग्राउंड बना देंगे। ग्राउंड की वैल्यू क्या होती है, 0 वोल्ट। इस पूरे नोड पर हम इस जगह पर पॉइंट बनाकर इसको नाम दे देते हैं कोई भी वोल्टेज का, जैसे कि हम इसे नाम देते हैं वी नोड का। तो अब हमने क्या करना है, इस नोड पर केसीएल अप्लाई करना है। तो केसीएल के मुताबिक मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको केसीएल अप्लाई करने में काफी आसानी हो जाएगी और इस क्वेश्चन को समझने में भी। तो केसीएल अप्लाई करते हैं, तो इस नोड में अगर हम देखें 9 एम्पीयर की करंट एक एंटर हो रही है और एक आई नोड करंट इधर से लीव कर रही है, और आई नोड ओवर 4 करंट भी इस नोड से लीव कर रही है, और 8 ओम में से हमें कोई करंट का नहीं पता कि एंटर हो रही है कि लीव कर रही है। तो हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से इस नोड से करंट लीव कर रही है, इसे हम नाम दे देते हैं I2 का या I3 का, जो भी आपका दिल करे आप नाम दे सकते हैं। तो अब हम इस पर KCL अप्लाई करेंगे। KCL के मुताबिक किसी भी नोड पर एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो अब हम देखेंगे इस नोड पर कितनी करंट एंटर हो रही है। एक 9 एम्पीयर की करंट एंटर हो रही है, बाकी और कोई करंट एंटर नहीं हो रही, तो ये 9 ये वैसे ही आ जाएगा। ये किसी के साथ सम नहीं हो रही क्योंकि अकेली करंट है, तो ये अकेली इधर आ जाएगी, बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो इस नोड से कितनी करंट लीव करनी है, 3 करंट लीव करनी है, I0, I0 over 4 और I2। तो ये तीनों का सम आ जाएगा, I0 plus I0 over 4 plus I2। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। 9 is equal to I0 plus I0 over 4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 I0 plus I0 divided by 4 plus I2। तो ये हमारे पास आ गया 9 is equal to 4 I0 plus I0 हो गया 5 I0 divided by 4 plus I2। तो हमने फाइंड क्या करना है, वी नॉट फाइंड करना है। तो I2 की जगह पर क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के मुताबिक I2 is equal to V0 over R। वी नोट है वोल्टेज जो हमने फाइंड करना है, और आर हमारे पास क्या है, 8 ओम, तो ये आ गया 8। तो इधर हमने ओम्स अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें I2 की जरूरत है, हमने फाइंड करना है वी नोट। तो I2 की जगह पर वी नोट ओवर 8 इधर लिख लेंगे, 9 is equal to 5 over 4 I0 plus V0 over 8। इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 72 is equal to 10 I0 plus V0। इसका सिंपल एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी 8 उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 9 से, तो 8 multiplied by 9 is equal to 72 आ गया। ये बिल्कुल सिंपल सा इसका एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में देखें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक आई नोट और एक वी नोट। तो एक इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल को फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करना होगा। अगर आई नोट की जगह पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम देखते हैं। अप्लाई ओम्स लॉ करते हैं, I0 is equal to V0 over R। V0 over R क्यों आया, I0 किस में से गुजरा है, 2 ओम के रजिस्टर में से, और 2 ओम रजिस्टर और 8 ओम रजिस्टर आपस में क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि 8 ओम के जो वोल्टेज है वही क्या है, 2 ओम के वोल्टेज है। तो 8 ओम के वोल्टेज क्या है, V0, तो 2 ओम के वोल्टेज भी क्या होंगे, V0। तो I0 is equal to V0 over R की जगह पर क्या आ जाएगा, 2। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे I0 की वैल्यू 72 is equal to 10, I0 की जगह पर क्या आ गया, V0 over 2 plus V0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास सिंपल एक ही वेरिएबल है, तो ये कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया 5 V0 plus V0, ये 6 V0, 72 is equal to 6 V0, और V0 is equal to 72 divided by 6। तो हमारे पास वोल्टेज कितना निकल गया है, वोल्टेज हमारे पास निकल गया है 12 वोल्ट। तो एक आंसर हमने फाइंड कर लिया, वी नोट की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, तो एक हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, आई नोट को, आई नोट का हमने फार्मूला लिखा हुआ था, I0 is equal to V0 over R। वी नोट की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं और आर हमारे पास कितना, 2। तो I0 is equal to V0 कितना निकला, 12 divided by 2। तो ये हमारे पास करंट कितना आया, करंट हमारे पास आया 6 एम्पीयर। तो दूसरा आंसर भी हमने फाइंड कर लिया।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।